फ्रेंड सकमा एक्सपोर्ट लिमिटेड की अदर डिटेल्स जाने उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पर इस कंपनी के बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर प्राइस में इतना अच्छा मोमेंटम है, उसके पीछे क्या कारण है, तो कौन इन्वेस्टर क्या कमेंट कर रहा है। तो उसके लिए फ्रेंड आपको हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट का जो फोरम है वहाँ पर लेके चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं। तो ये एक रिकिन पटेल 44 है, वो बोलते हैं ऑल एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी एट ऑल टाइम हाई, राइस शुगर और एनीथिंग, सकमा इज ऑल दिस बिजनेस विल सी ऑल टाइम हाई इन ईयर बाई ट्रकलोड क्वान्टिटी। तो फ्रेंड ये जो रिकिन पटेल बोल रहे हैं ये इनकी बात सही लगती है। जो सकमा एक्सपोर्ट लिमिटेड है वो एग्री कमोडिटी में शुगर, राइस, इडेबल ऑयल सीड्स, इनके अंदर एक्सपोर्ट और यह ट्रेड का काम करती है। मेजर ट्रेड इसका इसी सेक्टर में है। और हम आपको बता देते हैं फ्रेंड, अभी जो इडेबल सीड है, इडेबल ऑयल की सीड है या इडेबल ऑयल है, उसके प्राइस ऑल टाइम हाई है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड बनी हुई है इस मटेरियल की, आप सभी जानते ही होंगे। और जो शुगर है फ्रेंड, अब आपको बता दें कि जो शुगर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है फ्रेंड वो है ब्राज़ील, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने लिस्ट है 10 कंट्रीज़ की जो हाईएस्ट शुगर प्रोडक्शन करती है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि ब्राज़ील का पहला नंबर है और यहाँ पर इंडिया का नंबर उसके बाद में आता है। तो फ्रेंड हम आपको ये बात बता क्यों रहे हैं, हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं कि ब्राज़ील के अंदर 91 ईयर्स का सबसे बड़ा सूखा पड़ा है इस साल, जिस वजह से वहाँ पर शुगर की जो है प्रोडक्शन काफ़ी कम होने वाला है, और उस वजह से शुगर की डिमांड इंडिया से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, जिससे शुगर के रेट इन्फ्लेटेड रह सकते हैं। और इस बिजनेस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, इसके ट्रेडिंग में जो कंपनी है उसको इस चीज़ का फायदा हो सकता है इंडिया के अंदर। ये 29 मई 2021 की एक छोटी सी न्यूज़ है। ब्राज़ील गवर्नमेंट एजेंसी वर्ल्ड ऑफ ड्रॉट दिस वीक एज द कंट्री फेस इट्स वर्स्ट ड्राई स्पेल इन 91 ईयर्स, इंक्रीजिंग फियर ऑफ एनर्जी रेशनिंग हिटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड एग्रीकल्चर व्हील रेजिंग द रिस्क ऑफ अमेजन फायर्स। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि 91 ईयर्स का जो सबसे बड़ा सूखा है वो ब्राज़ील के अंदर पड़ा है, और अभी देख चुके हैं ब्राज़ील शुगर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो शुगर की जो ट्रेडिंग है और शुगर की जो डिमांड है वो इंडिया से बहुत स्ट्रॉन्ग रह सकती है, और उसका फायदा इस शुगर में ट्रेड करने वाली कंपनी सकुमा इंडस्ट्री जैसी कंपनी को मिल सकता है। तो ठीक है, ये अभी न्यूज़ हो गई फ्रेंड। अभी इसके अदर कमेंट्स पढ़ लेते हैं। कैन हिट अपर सर्किट एनी टाइम बाय बिफोर इट डन फॉर द डे। तो फ्रेंड यहाँ पर ये बुल रनर जी बोलते हैं इस बात के लिए। बुल रनर का एक और कमेंट है यहाँ पर, बाय सुकमा एक्सपोर्ट एट द रेट CMP करंट मार्केट प्राइस फॉर इम्पोर्टिंग प्रॉफिट्स एट द रेट 21, 28, 36, 42 कमिंग इन फ्यू मंथ्स। तो फ्रेंड इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े टारगेट यहाँ पर दे दिए हैं, 21, 28, 36, 42 के। ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाई एट दिस चीफ वैल्यूशन, बाई। हाँ, स्टॉक चीप वैल्यूशन पर है फ्रेंड, हमने अपनी जो पास्ट की वीडियो है वहाँ पर भी बनाया है, और कंपनी के ऊपर डेब्ट भी नहीं है, तो यहाँ पर मूवमेंट अच्छा आ सकता है इसके स्टॉक में, ये बात इनकी सही लगती है। 20% सर्किट टुडे बाई। तो ये टॉप माइंड बोल रहे हैं, और ये अर्निंग स्मार्ट बोलते हैं, पोल खोल सुकमा इज नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये यहाँ पर निगेटिव बात बोल रहे हैं, ऑपरेटर एक्यूमुलेट इट बिटवीन 4 to 5 एंड अप इट बिटवीन 5 to 7, सेल ऑन एवरी राइज एंड एग्जिट। तो ठीक है फ्रेंड, ये 9 रुपये के आसपास, 8-9 रुपये के आसपास से कई बार ये स्टॉक घूम चुका है, ये इसके हम चार्ट पर देख लेंगे। फ्रेंड यहाँ पर सकमा एक्सपोर्ट के स्टॉक का एक साल का चार्ट है, टेक्निकल चार्ट कैंडलस्टिक आपके सामने। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि सपोर्ट, पहले आप यहाँ देखिए, ये 20 अप्रैल 2020 को सपोर्ट, इसको 5 रुपये 1 पैसा दिखती है, 5 रुपये पर यहाँ पर इसको सपोर्ट थी, वापस इसको सपोर्ट यहाँ इस स्टॉक ने ली थी नवंबर 2020 में, ये भी 5 रुपये 19 पैसे यहाँ दिखती है, ये 5 रुपये 3 पैसे, तो यही सपोर्ट ली थी। फिर बाद में भी आप देखिए, हालांकि इसने 5 रुपये से नीचे काटा है 4.5 रुपये तक, लेकिन ओवरऑल सपोर्ट दिखती है इसे यहाँ पर 5 रुपये के लेवल पर। तो फ्रेंड 5 रुपये पर अच्छी खासी सपोर्ट है स्टॉक को। अब इसके हाई देखें, यहाँ पर इसने 2 बार हाई किए थे, ये हाई किए थे इसने 9 रुपये के ऊपर किए थे फ्रेंड, यहाँ पर एक कैंडल बनी थी तो, और उसके बाद ये इसका प्राइस नीचे की तरफ टूटा था, बियर ट्रेंड में आया था स्टॉक, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, लेकिन यहाँ पर भी 8 रुपये के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आया। लेकिन फ्रेंड इस बार जो इसका ब्रेकआउट है और ये 8 रुपये की तरफ बढ़ा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है, क्योंकि नीचे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ये टावर इसके वॉल्यूम है फ्रेंड्स, यहाँ तक इसके टावर्स बना है ग्रीन कैंडलस्टिक टाइप, और यहाँ पर आप देखिए पीछे उतने वॉल्यूम कभी नहीं रहे हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट आया था तो यहाँ पर भी
ये हाई वॉल्यूम आए थे इसी स्टॉक में। और यदि ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, इस स्टॉक को मिलाते हैं, फिर इस स्टॉक को मिलाते हैं, इनको मिलाते हुए जो एक लाइन खींचते हैं फ्रेंड, वो यहीं काटती है, यहाँ यहाँ के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। अब स्टॉक चला गया है और इसी वजह से यहाँ पर हैवी ब्रेकआउट भी आया है। स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पर है फ्रेंड्स, और इसके फंडामेंटल भी अच्छे दिखते हैं, क्योंकि एग्री कमोडिटी के अभी जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छे इंक्रीज़ हुए हैं, वहाँ पर मार्जिन अच्छे मिल रहे हैं जो कि ट्रेड करती है कंपनी उनको फ्रेंड, तो इसका बेनिफिट कंपनी को मिल सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पर दिखता है कि यदि ये कंपनी अब यहाँ पर ये इस रेंज से 8 से 10 रुपए की रेंज को तोड़ दे फ्रेंड, तो डेफिनेटली ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जा सकता है। तो इससे पहले 2015 में भी ये 9 और 10 रुपए के बीच से स्टॉक घूमा था। तो वो अपने इस चार्ट पर एक बार देख लेते हैं, इस चार्ट को यदि मैं थोड़ा इसको लंबे टाइम का चार्ट यहाँ पर खींचूँ, तो फ्रेंड यहाँ पर ये चार्ट है, ये यहाँ, ये 2016 की कहानी है, 2015-16 में इसको कर लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं आपके सामने। तो ये यहाँ से 9 से 10 रुपए के बीच किया था इसने, ये 26 नवंबर 2015 को फ्रेंड, और उसके बाद यहाँ से ये स्टॉक रिवर्स हुआ था। तो ये 8 से 10 रुपए के बीच की जो रेंज है इस स्टॉक के लिए, यहाँ काफ़ी अच्छा रेसिस्टेंस है, इससे ऊपर निकलता है स्टॉक तो डेफिनेटली स्टॉक काफ़ी ऊपर जा सकता है फ्रेंड। तो फ्रेंड ऐसा हमारा मानना है, लेकिन आपको यदि इस स्टॉक में कोई पोजिशन बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।